नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हुआ हमले की जांच के आदेश दिए। बीजेपी नेता अब लोग कोलकाता के नज़दीक साउथ 24 परगना में डायमंड हार्बर जा रहे थे तो दोपहर करीब 12 बजे उन पर हमला किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले की जाँच के लिए आदेश दे दिए हैं। उन्होंने राज्यपाल से राज्य के कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देने के कहा है। मामले को लेकर बीजेपी की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद गृह मंत्रालय ने 12 घंटे के भीतर बंगाल प्रशासन से 2 रिपोर्ट तलब की है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के मामले में केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए जनता को जवाब देना होगा। उन्होंने गुरुवार को ट्वीट में लिखा, आज बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर हुआ हमला बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांतिप्रिय जनता को जवाब दिया देना होगा। जेपी नड्डा के काफिले की कार पर ईंट से हमला। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी। उन्होंने आगे लिखा, तृणमूल शासन में बंगाल अत्याचार, अराजकता और अंधार के युग में जा चुका है। टीएमसी के राज्य में पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से राजनीतिक हिंसा को संस्थागत कर चरम सीमा पर पहुंचाया गया है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए दुखद भी है और चिंताजनक भी है। ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक नाटकीय वीडियो में लिखा गया है कि कार की विंडो स्क्रीन पर ईंट फेंके जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कार जेपी नड्डा के काफिले का हिस्सा है। नड्डा ने कहा, यदि मैं आज यहाँ मीटिंग के लिए पहुँच पाया हूँ तो ये माँ दुर्गा की कृपा के कारण हुआ है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर इरादतन उकसाने और परेशानी खड़ी करने वाले आरोप लगाया है। बीजेपी नेता अब कोलकाता के नज़दीक साउथ 24 परगना में डायमंड हार्बर जा रहे थे तो दोपहर करीब 12 बजे उन पर हमला किया गया। डायमंड हार्बर तृणमूल कांग्रेस के सांसद और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है।